Uh, क्या सावधानियां लोगों को लेनी चाहिए किस तरह देखते हैं आप सार्स कोविड टू की जर्नी अगर हम uh, अब की बात करें तो देखिए निधि जी जैसे हम जानते हैं जो सार्स कोविड टू कोविड नाइन्टीन भी हम बोलते हैं आ, इंडिया में स्टार्ट हुआ था जनवरी के आसपास लास्ट ईयर और जब ये स्टार्ट हुआ उस समय दूसरी कंट्रीज़ में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुका था इंडिया में फ़र्स्ट वेव बहुत ही माइल्ड रूप में निकल गया था एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि उस समय हम ज़्यादा कैजुलिटीज़ नहीं हुई Uh, उसके बाद जब सेकेंड वेव भारत में आई है तब हमें पता है कि जो वेरियंट्स आए हैं उसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा डैमेज हुआ था तो जो वायरस होता है इसका काम है कि अपना रूप को चेंज करते रहना सो डेट ही कैन सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट एंड इन द होस्ट बॉडी तो इसके लिए इसके वेरियंट्स बार समय समय पर आते रहते हैं जैसे आप कॉमन एग्जाम्पल देते हैं फ्लू हम आ, फ्लू हमारा कई सालों से लोगों को होता रहता है हर साल एक नया वेरियंट आता है और इसकी वजह से आपको हर साल फ्लू का नया शॉट लेना पड़ता है इसी तरह से कोविड वायरस भी सेम ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं ये एक वायरस के अंदर जेनेटिक मटीरियल है आर वायरस है और उसके आसपास एक स्पाइक प्रोटीन करके एक एनवलप होता है इस स्पाइक प्रोटीन के वजह से ही दो चीज़ें होती हैं एक तो हमारे बॉडी में जब ये एंटर करता है तो अटैच करता है स्पाइक प्रोटीन से हमारे होस्ट सेल्स में और हमारी इम्यूनिटी जो बनती है वो भी स्पाइक प्रोटीस की वजह से ही बनती है इसलिए जब भी वेरिएंट्स बनते हैं वो स्पाइक प्रोटीन्स में चेंजेस से ही बनते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएंट्स की हिस्ट्री स्टार्ट हुआ था अल्फ़ा वेरिएंट जो अल्फ़ा वेरिएंट था वो यू में स्टार्ट हुआ था आपने देखा यू में कितनी तबाही मचाई उसने कितने केसेज आए और स्लोली स्लोली वो दूसरे कंट्रीज़ में फैलना शुरू हुआ उसके बाद जो आया बीटा वेरियंट वो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी बोलते हैं और उस उस वेरिएंट ने उतना तबाही नहीं बचाई इतना अल्फ़ा वेरिएंट ने बचाया बट फिर भी ट्रांसमिशन पावर उसकी ज़्यादा थी आ, उसके बाद आया आपका आ, गामा वेरिएंट जो कि हम ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी बोलते हैं वो भी अल्फ़ा से आ, कम वेरलेंट पाया गया लेकिन वो भी ट्रांसमिशन पावर बहुत ही उसकी ज़्यादा थी लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनमें से जो वेरियंट ऑफ हम बात करें इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न दो हम टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं जो डब्ल्यू एच ओ ने डिफाइन डिफ़ाइन किया है कोई भी वायरस का जो वेरिएंट है अगर वो या तो ज़्यादा स्पीड से फैलता है नंबर वन या वो ऐसे कोई सिम्टम्स क्रिए डेवलप करता है जो कि नॉर्मल से अलग हैं या उसकी हिस्ट्री ऑफ जो डिज़ीज़ है वो चेंज कर देता है नंबर फोर जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं या हमारे जो प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स हैं उसको वो इवेट कर जाता है यानी वो उस पर इफेक्टिव नहीं होता या वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होता उस पर या कम इफेक्टिव होता इन सब में से अगर कोई भी एक चीज़ आती है तो हम इसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न और अगर वो खाली बहुत स्पीड से फैलता है और कई कंट्रीज़ को एक एक साथ इफ़ेक्ट करता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन करता है तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो जितने मैंने आपको बताया ये सब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आ गए थे अब हम जो डेल्टा की बात करते हैं डेल्टा जब सेकेंड वेव भारत में आया आपने देखा कि मुंबई से महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर पूरे कंट्री में बहुत कम समय में हमने एक सुनामी की तरह महाराष्ट्र पूरे सुनामी की तरह हमने देखा और एक नेशनल इमरजेंसी हमने देखा कि किस तरह से Uh, हमारे सरकार ने भारत सरकार ने कितना परिश्रम किया और सब ने उनको सहयोग दिया और फाइनली हम सेकेंड वेव को टाइड ओवर कर पाए और अभी भी सेकेंड वेव चल रहा है बट स्लो हो चुका है नहीं। नहीं। तो डेल्टा वेरिएंट का भी अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसको हम वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से जान रहे हैं इसमें मैं बात करना चाहूँगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस इसके अंदर के फोर वन सेवन एन करके एक वेरिएंट इसमें म्यूटेशंस हो गया है जिसकी वजह से इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ देखी गई हैं नंबर वन ये ट्रांसमिशन फास्ट करता है नंबर टू ये हमारे लंग सेल्स पे जल्दी अटैक कर देता है रिसेप्टर्स पे ज़्यादा अटैक करता है नंबर थ्री एक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इंडिया में अभी अप्रूव किया था डीसीजीआई ने उसके अगेंस्ट जो रिस्पांस है कम आता है तो ये तीन चीज़ों की वजह से इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है कंसर्न अभी नहीं बना है इसका मतलब ये एक अच्छी बात है कि अभी इसकी वजह से ज़्यादा विरुलेंस नहीं हो रहा है ज़्यादा हमारे सिम्टम्स ख़राब नहीं हो रहे डेथ ज़्यादा नहीं हो रही है अभी आपने जो बात किया कि एक सी वन पॉइंट टू वाला जो एक नया एक और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है वो है आपका साउथ अफ्रीकन वेरिएंट हम एक और नया वेरिएंट है इसके बारे में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ बहुत सारे प्रोविंस में फैला और उसके साथ साथ यूरोप में अफ्रीका में एशिया में भी गया लेकिन अभी तक अच्छी चीज़ ये देखी गई है कि इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि विरुलेंस ज़्यादा नहीं है पैथोजेनिस्टी यानी कि जितना अटैक करता है बहुत सीवियटी ऑफ डिजीज़ नहीं करता है ट्रीटमेंट अभी तक उस पर इफेक्टिव है और वैक्सीन का भी इस पर असर आ रहा है तो अभी तक ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में ही माना जा रहा है और इस पर और शोध चल रहा है और हम ये होप करते हैं कि इस तरह के वेरिएंट्स तो आते ही रहेंगे लेकिन जो हमारी वैक्सीनस हैं और जो करंट प्रोटोकॉल्स हैं प्रिवेंशन प्रोटोकॉल हैं वो इफ़ेक्टिव रहेंगे अगर हमारे जो सिटीजन्स हैं वो सबको फॉलो करते रहें जो भी गाइडलाइंस हैं कोविड ऑपर बिहेवियर की और वैक्सीनेशन पॉलिसी अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे तो ये वेरियंट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन हम फिर भी इस युद्ध को जीत सकते हैं जो लोगों को कोमोबिडिटीज़ होती हैं खासकर आपकी फील्ड में यूरोलॉजी की बात करें तो उनको आप किस तरह सावधानियाँ लेने को समझाएंगे? यूरोलॉजी में हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं कैंसर पेशेंट्स नंबर वन नंबर टू वो पेशेंट जिनको किडनी फेलियर है या किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और नंबर थ्री वो सिवियर uh, सेप्सिस में हैं बिकॉज ऑफ स्टोन्स या इन्फेक्शंस उनको ज़्यादा हो रहा है तो ये हाई तीन हाई कैटेगरी जो रिस्क हमारे पेशेंट्स हैं इनमें कोविड uh, अगर हो जाता है तो उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा नंबर वन उनको आईसीयू की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा और डेथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तो इसलिए ये जो ग्रुप हमारे पेशेंट्स के हैं इनको हम ज़्यादा काउंसिल करते हैं जब भी हमारे पास आते हैं कि आपको नंबर वन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़्यादा अच्छा फॉलो करना है आपको पब्लिक प्लेसिस में जहाँ तक हो सके ना जाएँ आप कोशिश करें कि आप वर्क फ्रॉम होम करें या टेली कंसल्टेशन फ्रॉम होम करने की कोशिश करें नंबर टू वैक्सीनेशन आपके लिए मस्ट मस्ट है हंड्रेड परसेंट मस्ट है आपको सबसे पहले अपने को वैक्सीनेट कर लेना है फर्स्ट डोज लगाइए सेकंड डोज लगाइए और कोविड अपने बिहेवियर फॉलो करते रहिए नंबर थ्री जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसको आपको डिसकन्टिन्यू नहीं करना है क्योंकि जैसे ही हम ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और डाउन हो जाएगी और फिर कोविड होने के चांस आपको ज्यादा हो जाएंगे आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस इन ए एंड रोबोटिक्स किस तरह ये शुरुआत की आपने टेल अस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग एट सफदरजंग हॉस्पिटल एज एज फार रोबोटिक्स इज इज कंसर्न बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया रोबोटिक्स मेरा पैशन है शुरू से ही और क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस में न्यू डेली में हुआ था और जहाँ भारत का पहला रोबोट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2005 में जब मैं वहाँ पर रेजिडेंसी कर रहा था आई वॉज अ पार्ट ऑफ द डेट फर्स्ट टीम एंड उसके बाद से मेरे मन में था कि हम गरीबों के लिए एक ऐसा सेंटर बनाएं जिसको स्टेट ऑफ आर्ट एक सेंटर बनाएं जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज एट नो कॉस्ट ये हमारे माइंड में था कि हम ऐसा कुछ कर पाएँ सरकार के सहयोग से तो इसलिए जब हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई तो मेरे मन में था कि हमें एक ट्रेनिंग अपनी अच्छी ट्रेनिंग करके आनी है एम्स में तो हमारी ट्रेनिंग बेसिक हो गई हमें एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग चाहिए थी ताकि हम भारत में आके उसका फ़ायदा दे सकें तो हमने एक फेलोशिप किया जिसके लिए हमने यू एस एम के सारे स्टेप्स क्लियर किए और उसके बाद दो साल की फेलोशिप करके आए जो कि वर्ल्ड का बेस्ट सेंटर है ग्लोबल रोबोटिक इंस्टीट्यूट फ्लोरिडा में है वहाँ से जब हम ट्रेनिंग करके वापस आए मेरा पहला सपना यह था कि हम सदरजंग में क्योंकि यहाँ जो भी गरीब आदमी आता है वो ये सोच के आता है मेरा इलाज यहाँ तो हो ही जाएगा यहाँ मेरे किसी सिफारिश ही उतनी बढ़ेगी और यहाँ पर मेरा अच्छा इलाज हो पाएगा तो सरकार के सहयोग से हमने यहाँ सेंटर स्टार्ट किया है रोबोटिक सेंटर जो कि अब इसको तीन साल होने वाले हैं हाँ, स्टार्ट हाँ, है। हुए और यहाँ पर हमने इसको डिफरेंट uh, तरह के यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए स्टार्ट किया है जैसे कैंसर्स हैं प्रोस्टेट कैंसर किडनी कैंसर ब्लैडर कैंसर टेस्टिकुलर कैंसर जिसमें रेट्यूल लिफनोट बन जाते हैं एडिनल कैंसर्स उसके अलावा फ़ीमेल यूरोलॉजी डिजीज में भी यूज़ कर रहे हैं स्टोन डिजीज़ जिसमें किडनीज खराब हो जाती है उसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स में यूज़ कर रहे हैं और अब किडनी ट्रांसप्लांट इतना एडवांसमेंट आ गई है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट भी रोबोट से कर पा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है भारत सरकार के सहयोग से फ्री ऑफ कॉस्ट है आप आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं कैन यू टेल अस अबाउट दैट ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि हमारे भारतवर्ष में हर साल दो लाख पेशेंट हैं जिनकी किडनी फेल स्टेज फाइव में चली जाती है जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है उन दो लाख में से हम सिर्फ पाँच से दस हज़ार लोग को ही किडनीज दे पाते हैं थ्रू लाइव डोनर प्रोग्राम एंड द एक दूसरा प्रोग्राम होता है डिजीज़ डोनर प्रोग्राम जब एक पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है तो उसकी ऑर्गन्स हम एज पर लॉ डोनेट करके इम्प्लान्ट कर सकते हैं उसमें तो लेकिन फिर भी हम दस हज़ार से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो हर साल एक लाख नब्बे हज़ार पेशेंट्स लिस्ट में जुड़ते जाते हैं आप सोच सकते हैं उनका क्या, क्या आगे जाके हश्र होता है क्योंकि डायलिसिस पर वो कब तक रह पाएंगे डायलिसिस कॉम्प्लिकेशन होते, है, होते हैं डायलिसिस कॉस्ट भी है और अल्टीमेटली पेशेंट्स कहीं वाइल्ड वेटिंग दे डाई सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इसीलिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो मैंने बोला डिजीज ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम ये एक सेकेंड अल्टरनेटिव था हमारे पास कि अगर हम लोगों को जागरूक कर पाएँ कि अगर आपकी रिश्तेदार जिनको ब्रेन डेड हो गए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न लाइक ट्रामा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर वो ब्रेन डेड हो गए हैं उनके लेकिन ऑर्गन्स बाकी चल रहे हैं उसमें सर्कुलेशन चल रहा है तो हम एज़ पर लॉ ऑर्गन्स को ऑर्गन्स को उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और एक आदमी आठ लोगों की जान बचा सकता है ना सिर्फ किडनी हार्ट लंग लीवर आइज़ ये सब डोनेट कर सकता है तो इसके लिए भारत सरकार ने नोटो आप जानते हैं नेशनल नैशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन सजरजंग में ही स्टार्ट किया था आज से आठ साल पहले 2012 की बात है और तब से ये एक संस्थान जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हम ये कोशिश करते रहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन के अवेयरनेस को बढ़ाया जाए और लोगों में ये जागरूकता पा लाई जाए कि जैसे मैंने भी अपने ऑर्गन डोनेट कर रखे हैं मेरी फैमिली ने सब ने डोनेट कर रखे हैं और मेरे पास वो कार्ड हमेशा साथ रहता है तो इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली मेरे ऑर्गन डोनेट करने के लिए आगे सहमति देगी और वो मेरे ऑर्गन आठ लोगों को बचा सकते हैं तो इसी तरह की एक तरह की हमें एक नेशनल कंपेन की ज़रूरत है अब हम आर्टिफिशल किडनी पे जाते हैं ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि आज से दस साल पहले किसी ने कंसेप्शलाइज़ किया यूएस की बात कर रहे हैं उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमें पता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें हम वो डिमांड नहीं मीट कर पाएंगे गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इज़ ऑलवेज देयर तो उन्होंने कहा कि हम एक आर्टिफिशियल किडनी बनाते हैं थ्रो स्टेम सेल्स जो हमारे सेल्स को निकाल के किडनी सेल्स को हमको रीजनरेट करें बाहर एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल कल्चर में और उसको एक किडनी के रूप में आर्टिफिशियल किडनी के रूप में डेवलप करें इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है और इसमें डॉक्टर एंथनी अंटाला जो इसके लिए एक बहुत बड़ा नाम है जो इसमें कई सालों से शोध कर रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस टेस्ट तक नहीं पहुँच पाए कि उसको क्लिनिकल यूज़ में ला पाएँ और मुझे उम्मीद है कि शायद अगले पाँच से दस साल में हम शायद उसको क्लिनिकल यूज़ में ला कुड स्पेसिफाई Uh, what kind of training is happening at the Sabda Hospital for doctors? What are the international collaborations that you are looking at? Because uh, fields like uh, robotics, fields like uh, kidney transplant, um, artificial intelligence, all these need a lot of training. Are you being able to pursue the same in the COVID era? Yeah, I think mean, that's a very uh, important question because of the COVID uh, pandemic in the last two years, the training has suffered a lot and uh, especially if we talk about our residents, young neurologists, their training has suffered a lot because uh, OTs were not operating and we were not seeing physically the patients. सो डेफिनेटली ट्रेनिंग इसकी हैम्पर हुई है तो इसके लिए हम बात करते हैं रोबोटिक ट्रेनिंग की रोबोटिक ट्रेनिंग के सेंटर्स इंडिया में बहुत कम हैं गवर्नमेंट सेंटर्स भी uh, बहुत लिमिटेड हैं जहां पर आप uh, ट्रेनिंग करा सकते हैं इसीलिए हमको यूएस या, या यूरोप जा ट्रेनिंग करना जैसे हम भी गए थे टू में हमें जाना पड़ा लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही ऐसा सेंटर बनाएँ कि हमारे लोगों को बाहर जाके पैसा ना लगाना पड़े मनी ना वेस्ट करना पड़े और कई बार वो फिर वापस भी नहीं आते हैं दे जस्ट ट्राई टू सेटल देयर तो अगर हम यहीं पर उनको ट्रेन कर देंगे तो हमारे भारत को ही और डेवलप्ड और सक्षम यूर, यूरोलिस्ट मिल जाएंगे जो हमारे भारत के जनता की सेवा कर सकते हैं तो इसके लिए हमने आज से चार साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम रोबोटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें लैप्रोस्कोपी भी सिखाया जाता है तो हमने आ, एक सबसे पहले स्टार्ट किया था वेट लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम से कि जिसमें जो पिग्स होते हैं उनके ऊपर हम लेप्रॉस्कोपी के डिफरेंट प्रोसीजर्स यंग डॉ डौक, यंग डॉक्टर्स को सिखाते थे उसके बाद हमने आ, रोबोटिक्स का भी उसमें शुरू किया फिर हमने उसको ग्रेजुएट आगे बढ़ते हुए हमने कैडेवर ले लिया जो कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर हमने ट्रेनिंग करानी शुरू की इनकी उनमें भी हमने लेप्रोस्कोपी भी कराया और रोबोटिक भी ट्रेनिंग कराया जो उसके अभी लिमिटेड सेंटर्स से हैं एक बेंगलुरु में है रमैया मेडिकल कॉलेज में और एक अभी डेवलप हो रहा है दूसरे एरियाज़ में आ, उसके बाद फिर हमने भारत सरकार के सहयोग से एक प्रोग्राम शुरू किया इसके चलते हैं इंटरनेशनल वेबकास्ट जिसमें हम आ, हर महीने दो बार आ, एक कॉम्प्लेक्स रोबोटिक केस आ, और एक लेप्रोस्कोपिक केस को लाइव दिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग के लिए और जिसको 52 कॉलेज अक्रॉस द कंट्री ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन ही हेल्थ प्रोग्राम के अंदर अंतर्गत ही आता है फिफ्टी टू कॉलेज देखते हैं और ट्वेंटी कंट्रीज़ ऑन द वर्ल्ड वो भी साथ साथ देखते हैं तो अभी हमारा डाटा बेस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस हो चुका है और इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि मुझे खुशी है कि अभी हमने सोवा वेबकास्ट खत्म किया है जो कि एक कीर्तिमान है क्योंकि आज तक एशिया में भी किसी ने इतने कि और ये सब भारत सरकार के सहयोग से हो पाया तो इस तरह की ट्रेनिंग से क्या हो रहा है कि क्योंकि कोविड के वजह से हमारी ओ नहीं चल रहे थे कई कई स्टेट्स में तो कई दिनों से ओ बंद हैं तो उनकी सर्जिकल ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी इस, इस इस इसके माध्यम से हम उनको डिजिटल ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनसे फीडबैक भी आता रहता है तो ये फिर इसके हम इंटरनेशनल कोलाब्रेशन भी इसको कर रहे हैं जैसे मैंने बताया ट्वेंटी कंट्रीज़ इनको देख रही हैं विश्व की सबसे बड़ी सोसाइटी रोबोटिक की सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जनस हम उसके इंडियन कन्वेनर हैं तो उनके साथ हमारा टाई अप है कि वो भी हमारे सर्जरीज़ को आ, अपने सभी कंट्रीज़ में ट्रांसमिट करते हैं तो इस तरह से कोलाब्रेशन चल रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी में भी हम इतना अच्छा कर सकते हैं वो देख रहे हैं कि भारत में भी सब हो सकता है तो जिससे हमें अच्छा फील होता है कि भारत एटलीस्ट डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने आप को दिखा पा रहा है कि हम एक अच्छा काम कर सकते हैं डॉक्टर फ्यू को टैलास प्रोस्ट्रेट कैंसर क्या होता है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या आप इस समय में इसकी सर्जरी कर पा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर जैसे हम बात करते हैं कि कई लोगों में मिसकसेप्शन था कि ये एक वेस्टर्न डिजीज का डिजीज़ है वर्ड का डिजीज़ है लेकिन Uh, हमने एक शोध प्र, प्रकाशित किया 2014-15 में आई सी पैथोलॉजी के आ, साथ मिलकर जिसमें हमने देखा कि भारत की जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर है इंडियन मेल्स में इसलिए काफ़ी अंडर डिटेक्टेड है ये कैंसर इंडिया में और काफ़ी तेज़ी से ये पाया जा रहा है तो प्रोस्टेट कैंसर में जो मेन सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं वो बेसिकली वही होते हैं जो गदूद बढ़ने यानी प्रोस्टेट बढ़ने से सिम्टम्स आते हैं यानी कि रात में पेशाब को बार बार जाना पेशाब को होल्ड ना कर पाना पेशाब कई बार निकल जाता है होल्ड करने ना करने पाने कर, 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 कर पाने के कारण और पेशाब की रुकावट आना पेशाब का फ्लो कम हो जाना पेशाब करने के बाद कुछ कुछ ड्रॉप्स आना शुरू हो जाना या कई बार पेशाब रुक भी जाता है तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जो प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से होते हैं वही इनिशियल सिम्टम्स कैंसर के सेम होते हैं जैसे जैसे कैंसर आगे बढ़ता है यानी फर्स्ट स्टेज होता है कैंसर प्रोस्टेट के अंदर है सेकेंड स्टेज होता है कैंसर प्रोस्टेट के बाहर जाता है और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करता है उस समय पेशेंट को ब्लीडिंग आ सकता है पेशाब में खून आ सकता है दर्द बढ़ सकता है थर्ड स्टेज होता है जब वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है सबसे पहले बोन्स में जाता है तो पेशेंट को बैक बैकेक यानी पीछे हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है पूरे और दर्द शुरू हो जाता है फिर ये लीवर में जा सकता है तो जॉन्डिस हो जाता है लंग्स में जा सकता है तो उसको खून की उल्टी हो सकती है खून के जो है साथ में हिमोपटेसिस हो सकता है कफ हो सकता है ये सब सिम्टम्स हैं जो कि एडवांस्ड कैंसर में आता है इसका जो ट्रीटमेंट है ये स्टेज स्टेज वाइज हम डिसाइड करते हैं फ़र्स्ट स्टेज में हम इसका सर्जरी से आ, इसको क्योर कर सकते हैं यानी कि जैसे हम अभी बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी uh, उसमें रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टिंग करके बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दो तीन छोटे होल बनाकर पेट में उसके थ्रू पोर्ट को डालते हैं और ये मास्टर स्लेव सिस्टम होता है रोबोट जिसमें चार आर्म्स रोबोट के पेशेंट के ऊपर होते हैं और जो सर्जन होता है थोड़ी दूर पर बैठ के कंसोल पर मूव करता है उसके कमांड्स को वो रोबोट फॉलो करता है तो इससे हम बड़े सूक्ष्म तरीके से बहुत ही मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं थी विजन देखते हैं और जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत ही फ़ाइन होते हैं और बहुत फ़ास्ट सर्जरी होती है ब्लड लॉस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सूचरिंग बहुत फ़ास्ट होती है और आउटकम्स की हम बात करते हैं जो कि पेशेंट को फ़ायदा क्या मिलता है कि इंसियन उसको बहुत छोटे छोटे हो गए नंबर वन नंबर टू सर्जरी बहुत जल्दी हो गई नंबर थ्री ब्लड लॉस बहुत कम हो जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें नहीं करना पड़ता है नंबर फोर अर्ली डिस्चार्ज पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है पेशेंट पहले ओपन सर्जरी करते थे तो 10 10 से 15 दिन तक अस्पताल में ही पड़े रहते थे पेशेंट और महीने दो महीने तक भी वो रिकवर नहीं कर पाते थे अब अब हम पेशेंट को सेकेंड डे डिस्चार्ज करते हैं सेवन डे पे पेशेंट बैक टू कॉमन नॉर्मल ऑफिस जो काम कर रहे होते थे वापस चले जाते हैं तो ये एडवांटेजेस पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर में मिल रहा है बिकॉज ऑफ रोबोटिक सर्जरी और बिकॉज ऑफ कोविड डेफिनेटली सर्जरीज वर अफेक्टेड बिकॉज द होल कंट्री वॉज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोविड एंड एंड हमें कोविड uh, पेशेंट्स का ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी था लेकिन अब क्योंकि कोविड सेकेंड वेव कम हो गया है अब सर्जरीज हमारी रिज्यूम हो गई हैं और पिछले तीन चार महीनों से हम सर्जरीज कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर भी कर रहे हैं और कैंसर्स के भी हम uh, जो है पेशेंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं और पेशेंट्स बहुत दूर दूर से हमारे पास रेफर होकर आते हैं बिकॉज़ इट्स अ टर्सरी केयर रेफरल हॉस्पिटल है सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि कैंसर पेशेंट को प्रायरिटी पे ऑपरेट करें उनको वेट ना करना पड़े माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट अबाउट जीन थेरेपी कुड यू प्लीज एक्सप्लेन ऑफ जीन थेरेपी एंड हाउ इट इज डन जीन थेरेपी कॉन्सेप्ट जो आया था इसके दो बड़े कॉमन रीजन थे नंबर वन की हमारे कुछ हेरिटेज डिजीजेज होते हैं जो कि जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन को ट्रांसमिट हो जाते हैं उसमें दो प्रकार के ट्रांसमिशन होते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि उसमें अगर वो ट्रांसमिट होगा तो 50 परसेंट चांस है कि उसको डिजीज होगा हो ही होगा चाइल्ड को अगर एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव उसमें 25 परसेंट चांस होता है कि उसको डिजीज़ होगा तो इस, अगर हम उस जीन को करेक्ट कर पाएं जिस जो जो जीन ट्रांसमिट हो रही है तो हम डिजीज को रोक सकते हैं ये पहला रीजन था जिसकी वजह से जीन थेरेपी डेवलप की गई नंबर दूसरा रीज़न था कैंसर्स कैंसर्स में जैसे हम बात कर रहे थे मेन कारण कैंसर्स का होता है दो प्रकार के जीन्स होते हैं ओंको जीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जींस जीन्स कैंसर को बढ़ावा देते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कैंसर को रोकते हैं जब ये बैलेंस खत्म हो जाता है यानी कि ट्यू ओंकोजीन्स हैवी हो जाते हैं तब ये कैंसर शुरू हो जाता है तो हमारी जीन थेरेपी क्या करने की कोशिश कर रही है कि अगर हम ओंकोजीन्स को इनहिबिटर्स बना दें यानी जो उसको इनहिबिट कर करें या ट्यूमर सप्रेसर जींस को एक्टिवेटर बना दें ऐसी कोई हम जेनेटिक मटेरियल डालें बॉडी में कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एक्टिवेट हो जाएँ या ऐसा डालें कि ओंकोजींस सप्रेस हो जाएँ तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसर खत्म हो जाएगा ये इसका कॉन्सेप्ट है इसको हम ट्यूमर वैक्सीन भी बोलते हैं आजकल और जीन थेरेपी भी बोल सकते हैं तो ये काम काफ़ी सालों से चल रहा है अभी हम फेज़ वन ट्रायल में ही पहुँचे हैं आ, इसके दो ट्रायल और बचे हैं और मेरे को उम्मीद है कि पाँच साल में हम उस स्टेज तक पहुँच पाएंगे कि जब हम इसको क्लिनिकल यूज़ में ला पाएंगे और फिर अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम प्रिवेंट कर, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं यानी कि अब अगर मैं 50 साल के मेल में इसको इंट्रोड्यूस कर दूँ जीने ट्यूमर जी, वैक्सीन लाइक अभी हम कोविड वैक्सीन की बात कर रहे थे तो हम कैंसर डेवलप होने से ही रोक सकते हैं तो इट विल बी रिवोल्यूश बट अभी हम इसको वेट करना पड़ेगा बट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी लॉन्ग वेटेड प्रोसेस जो हम वेट कर रहे हैं एंड आई होप कि पाँच साल में हम तक पहुंच पाएंगे यूरोलॉजिकल कैंसर की या डिजीज की सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए यूलॉजिकल डिजीज़ में सबसे कॉमन जो हमारे पास आता है इंडिया में क्योंकि इट्स एंडेमिक फॉर स्टोन्स तो स्टोन्स आते हैं किडनी के स्टोन आ, यूरेटर के स्टोन यूनिनी ब्लैडर के स्टोन याथरा के स्टोन स्टोन्स में हमारे बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं पहले लोग ओपन सर्जरी करते थे कोई लंबे लंबे इंसीएल लगाना ब्लीडिंग होना पेशेंट की रिकवरी अब क्या करते हैं की होल सर्जरी करते हैं इसको पी सी एन एल बोलते हैं पर कुडेंस रिफल थॉर्टमी छोटा सा इंसिन लगाते हैं कमर में उसके थ्रू पंक्चर करके डायलेट करते हैं एक स्कोप डालते हैं और स्टोन को तोड़ के उसमें से निकाल देते हैं तो ये बड़ा एडवांसमेंट है नंबर वन नंबर टू हम नीचे से जो नेचुरल और ऑरिफिस है जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं उसके थ्रू एक अंदर एक एंडोस्कोप डालते हैं और उसके थ्रू एक फ्लेक्सिबल आजकल नया एक इंस्ट्रूमेंट बना है इसको फ्लेक्सिबल लेट्रोस्कोप बोलते हैं वो अंदर चला जाता है और एक लेजर से इसको तोड़ देते हैं स्टोन को तो ये एक नया नेक्स्ट तकनीक है फ्लैक्सीबल लेट्रोस्कोपी नंबर थ्री होता है एक्स्ट्रा कॉपोरेटर सॉकोलेटर ट्रिपसी इसमें भी हम लेजर से बाहर से पथरी को तोड़ देते हैं तो ये सब एडवांसमेंट हैं जो स्टोन्स में आ गए हैं इसके बाद हम बात करते हैं गदूद का नॉर्मल गदूद जब बढ़ जाता है तो उसमें दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं लेजर ट्रीटमेंट आजकल लेजर्स बड़े, बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा लोग जाते हैं कि लेजर सर्जरी हो बिकॉज उससे ब्लड लॉस कम होता है रिकवरी फास्ट हो जाती है और कॉन्टिनस जो हम कहते हैं कि क्षमता पेशाब रोकने की वो बरकरार रहती है तो आजकल हमारे पास जैसे so, हमारे अस्पताल में भी दोनों प्रकार के लेजर्स हैं हॉल्मयम लेजर है और ग्रीन लाइट लेजर है तो उससे हम गदूद का ऑपरेशन कर सकते हैं या हम नॉर्मल टी आर पी ऑपरेशन जो कि दूरबीन से कॉटरी से करते हैं तीसरा होता है कैंसर जो हमने बताया उसमें हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं या रोबोटिक कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी में थ्री डी लेप्रोस्कोपी एक एडवांस्ड वर्जन है जिसका स्टार्टिंग हमने ही किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में आज से आठ साल पहले और इस समय वी आर द लीडिंग सेंटर फॉर द थी डी लेप्रोस्कोपी Uh, उसके नेक्स्ट वर्जन है रोबोटिक्स तो ये दोनों चीज़ों से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं तो ये सब सर्जिकल एडवांसमेंट मैंने जो आपको बताए हैं ये यूरोलॉजी में पिछले दस सालों में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अब पेशेंट्स के लिए एक बून हो गया है बिकॉज अब उनके आउटकम्स अच्छे हो गए हैं उनको ब्लड लॉस नहीं होता है जल्दी रिकवर करते हैं और मॉर्बिडिटी बहुत कम हो गई है और मॉटेलिटी तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है. तो इसलिए पेशेंट बहुत खुश रहते हैं यूरोलॉजी से क्योंकि उनके आउटकम्स अच्छे हो गए हैं बट वॉट ड्रोव यू टू यूरोलॉजी आपने जब मेडिसिन की तो आपने यूरोलॉजी क्यों चूज़ किया निधि जी जब मैंने एम बी बी एस किया मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज में था हमारा छः साल का कोर्स होता है जब सिक्स ईयर खत्म होने वाला होता तब हमें एक माइंड बना रहा होता कि हमें किस फील्ड में जाना है जी uh, उसको इंटर्नशिप वाला टाइम बोलते हैं तो तब मेरे माइंड में ये था कि मैं किस तरफ जाऊँ uh, उस समय हमारे घर में एक हमारे सर्वेंट होते थे रामू काका जी और उनको कैंसर था प्रोस्टेट कैंसर उस समय की बात करें दो नाइनटीन नाइन्टी नाइन एंड उस समय आपको पता है सुविधाओं का बड़ा अभाव था ना रोबोट था ना कोई ऐसी ट्रीटमेंट था एंड ही डाइड अनफोर्टलिटी इन फ्रंट ऑफ माई आईज स्पैन ऑफ वन ईयर एंड आई वॉज थिंकिंग यार डॉक्टर होने के बाद भी हम किसी को बचा नहीं सक रहे हैं मतलब आई वॉज फीलिंग हेल्पलेस सो डैट ड्रोव मी कि मैं कोई यूरोलॉजिस्ट ही बनना है मुझे कैंसर डॉक्टर ही बनना है यूरोलॉलिस में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं तो मैंने कहा मेरे को कैंसर स्पेशलिस्ट ही बनना है तो मैंने उसके लिए आपको जनरल सर्जरी में पहले जाना पड़ता है तीन साल फिर मैंने जनरल सर्जरी किया फिर तीन साल मैंने एम किया एम से उसके बाद फिर मैंने कहा खाली एम करने से कुछ नहीं होगा मुझे कैंसर का डॉक्टर बनना है और ट्रांसप्लांट डॉक्टर बनना है तो फिर मैंने मैंने बताया रोबोटिक्स की फेलोशिप करने दो साल में अमेरिका चला गया तो इस तरह से मेरा जो कोर्स चला है और अब मेरा सारा जो ट्रीटमेंट का जो फोकस है वो कैंसर्स और ट्रांसप्लांट ही है और मुझे खुशी है कि मैं कई ऐसे पेशेंट्स जो हमारे रामू काका जैसे हैं उनको हम बचा सकते हैं और मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि एटलीस्ट अब वो मैं हेल्पलेस नहीं हूँ जितना मैं आज से 20 साल पहले हेल्पलेस था 1999 नाइनटी नाइन हाउ डू यू वॉन्ट टू इंस्पायर जेन नेक्स्ट टू टेक अप दिस फील्ड क्या क्या आपको लगता है इसमें नेक्स्ट 25 फाइव ईयर्स की बात करें वे टॉकिंग ऑफ इंडिया एट सेवेंटी फाइव आज़ादी का अमृत महोत्सव How do you look at your own field 25 years from now? See, the urology is a very, very evolving and a you know, very, very dynamic field. Uh, when we started two, 20 years back, when I was doing my MBBS, urology had only very few technologies in place, uh, only laparoscopy, only a few centers being done. And what has happened in since 2002, when the robot was uh, introduced in the US, since then that the technology has really revolutionized the urology. And now as I told you we have so many of advanced technologies which really uh, uh, attracts our young residents to urology. And urology is the number one surgical branch in all super specialties right now. Top ten need students they go for urology. And our hospital, my southern hospital, my college we get each year top 10, five come to us. Mm. So, you can see it is such an interesting field. What I see from here is number one that robot is going to become more cheaper. Uh, because we are the Make in India movement which uh, under our Prime Minister is going on and I i hope it should uh, be able to achieve that robot in India Make in India robot because so right now it's very costly I don't want to spend so much of money for an westernized product we should make it in India आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत अगर हम robot India में बना पाएंगे फिर आप देखेंगे हर छोटे-छोटे centers -छोटे में robot होगा वो जो advantage की हम बात कर रहे हैं वो सब को मिल पाएगा तो मैं आज से पच्चीस पच्चीस साल ये देखता हूँ कि इंडिया में रोबोट बन रहा है और सब जगह इंडिया का रोबोट बना हुआ है नंबर वन नंबर टू जो लेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो भी हमारे इंडिया में बन रहे हैं तो मेरे मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा हो पाएगा hmm. और यूरोलॉजी मतलब ऐसा फील्ड बन जाएगा कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है बिकॉज यूरोलॉजी इज द ओनली फील्ड विच इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वी ऑल डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी तो अगर हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना दें एक्सेसिबल एंड टू एवरीबडी कर दें